मकान तोड़े जा रहे हैं। ग्राम पताड़ी में बुलडोजर चला है, मकान तोड़ने का लोगों ने विरोध भी किया है। प्रशासनिक कार्रवाई का लोग विरोध कर रहे हैं। प्रभावितों के समर्थन में विधायक ननकीराम कंवर भी आगे आए हैं। आपको ये भी बताएं कि सड़क पर रामपुर विधायक खुद बैठे हुए हैं, ननकीराम कंवर और अधिकारियों के बीच बहस की भी जानकारी। कोरबा चांपा नेशनल हाईवे के विस्तार के लिए यहां पर मकान गिराए जा रहे हैं, बिना मुआवजा दिए कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। एसडीएम पर मुआवजे में गड़बड़ी का आरोप है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ लोग लगातार इस कार्रवाई का विरोध करते हुए, दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए, विधायक ननकीराम कंवर मौके पर पहुंचे, अधिकारियों से झड़प भी उनकी हुई, नोकझोंक हुई इस बात को लेकर कि बिना मुआवजा दिए कैसे इन लोगों के मकानों को तोड़ा जा रहा है। नेशनल हाईवे का विस्तार यहां पर होना है और ग्रामीणों की तरफ से ये भी आरोप है कि एसडीएम ने मुआवजा देने में गड़बड़ी की है। इसी आरोप के चलते लगातार प्रदर्शन की राह पर ग्रामीण डटे रहने को मजबूर, और दूसरी तरफ उनके समर्थन में खुद विधायक ननकीराम कंवर पहुंचे, खुद सड़क पर बैठकर ग्रामीणों के साथ प्रदर्शन किया है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुआवजा देने की मुख्य तौर पर मांग है कि अगर मकान तोड़े जा रहे हैं तो उन्हें मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। नेशनल हाईवे के विस्तार का कार्य चल रहा है और इसी के चलते आसपास बने मकानों को तोड़ा जा रहा है। कोरबा चांपा नेशनल हाईवे की पूरी घटना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुद अधिकारियों से बात करते हुए विधायक ननकीराम कंवर भी आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है, मकान तोड़ने का लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। ग्राम पताड़ी में फिलहाल बुलडोजर चल चुका है, कई मकानों को नुकसान पहुंच चुका है और अब ग्रामीणों की ये मांग है कि मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण का जब भी काम होता है तो आम लोगों को मुआवजा दिया जाता है। तो इस विस्तार के चलते गिराए जा रहे मकान और इन्हीं के मकानों के एवज में मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ऐसे कि अब्दुल से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। अब्दुल, विस्तार से जानकारी मामले पर। कोरबा चांपा जो है नेशनल हाईवे जो बन रहा है, इसमें पताड़ी के पास कई लोगों के जो है मुआवजा प्रकरण बचे हुए हैं, बावजूद इसके कि मुआवजा देने के बजाय उन्हें उनके जो निवास है, उनके घर है, एटीएम वगैरह भी जो बने हुए थे उनको तोड़ने के लिए वहां पर अतिक्रमण दस्ता पहुंचा हुआ था और कई घरों को भी वहां तोड़ा गया है। उसको लेकर जैसे ही स्थानीय जो विधायक है रामपुर विधानसभा के ननकीराम कंवर, वहां मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के साथ सड़क पर बैठ गए और चक्का जाम कर दिया। उसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार और उर्गा पुलिस, मामले को शांत कराने का कोशिश किया गया, लेकिन उन पर भी ननकीराम जो है भड़क गए और बहस की स्थिति निर्मित हो गई। चलिए देखना होगा ग्रामीणों को किस तरह से मदद दी जाती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करेंगे दतिया की, जहां एक घंटे की बारिश में हाल बेहाल नजर आ रहे हैं। एक घंटे की बारिश में शहर में पानी पानी भर चुका है, शहर की कई बस्तियों में पानी भर गया है, सड़कों पर एक फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ, जल भराव से लोगों को भारी परेशानी हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दतिया में एक घंटे तक बारिश क्या हुई आप देखिए, इस क्षेत्र की हालत तरबतर, जनजीवन प्रभावित होता हुआ। जबलपुर की अब चर्चा करेंगे, जहां आग बुझाने फायर ब्रिगेड की टीम गई, लेकिन उसके बाद तोड़फोड़ की जानकारियां सामने आई। आग बुझाने गई फायर ब्रिगेड के साथ तोड़फोड़ मारपीट, साथ ही साथ आग में पूरी तरह से फर्नीचर फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। दमकल वाहन में लोगों ने तोड़फोड़ की है। बिजली सप्लाई बंद नहीं होने से आग बुझाने में समय लग रहा था, फायर ब्रिगेड को काम करने में समय लगा और देरी की वजह से दमकल पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बुरहानपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 3 करोड़ के गबन का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। बुरहानपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया आरोपी को, 20 साल से पहचान छुपाकर फरार चल रहा था। कपास फर्म खोलकर कई लोगों से ठगी भी की थी, कई लोगों से लाखों का माल लेकर पैसे लौटाए नहीं थे। आरोपी के खिलाफ 4 स्थायी वारंट है। इधर बैतूल के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद से खलबली मची हुई है। निशा बांगरे बैतूल की आमला विधानसभा से पिछले एक साल से सक्रिय हैं और 25 जून को आमला में एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित करवाने जा रही थी, लेकिन मध्यप्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को न तो कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी, न ही कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए। इसके लिए निशा बांगरे ने प्रशासन पर आरोप लगाया। बैतूल एसपी ने बताया कि निशा बांगरे ने कार्यक्रम को लेकर जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किए थे, इसलिए कार्यक्रम की अनुमति को निरस्त किया गया। हम सभी जानते हैं कि आने वाली 25 जून 2023 को आमला
में मेरे स्वयं के मकान का उद्घाटन का आयोजन रखा गया है। और उसके साथ ही क्योंकि हमारे जो मेहमान हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर रहे हैं, हमारे मेहमान देश विदेश से आने वाले हैं, उसी के तारतम्य में गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा और हमारे जो मेरे पति हैं उनके द्वारा एक सर्वधर्म शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। और उसके लिए तमाम अनुमतियां जो प्रशासनिक होनी चाहिए उसके लिए सभी पत्र लिखे थे और इसमें श्रीलंका के नए मंत्री भी आने वाले हैं, तथागत बुद्ध की अस्थि अभी आने वाली है। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैंने प्रशासन से अनुमति चाही थी और उस अनुमति को उन्होंने मुझे नहीं। आमला के कुछ गगन मलिक फाउंडेशन द्वारा एक कार्यक्रम अनुमति चाहिए थी जो अंतर्राष्ट्रीय सर्वधर्म सम्मेलन और विश्व शांति प्रसार के संबंध में अनुमति चाहिए थी, परंतु इस संबंध में कोई उचित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण जो है अनुशंसा नहीं की गई थी और उसके जिला प्रशासन द्वारा अनुमति इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने की नहीं दी गई। और इसी के साथ बुलेटिन में देखते रहिए न्यूज़ 18।